So good evening students. So already we have started with there is a new chapter function. तो function में हमने बहुत सारे derivatives के related formulas देखे जहाँ पर हमने u into v, u plus v, after that we have divided question rule. ऐसे बहुत सारे rules हमने पढ़े already. तो अभी उसी chapter का extension there is a next chapter that is called as derivatives and application of the derivatives. तो यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं जहाँ पर हमें economic application, constant function जो होते हैं, algebraic function होते हैं, उसके बाद how to calculate the revenue, marginal revenue, after that cost, average cost, ऐसे वाले बहुत सारे question जो हमारे exam में it's coming around for the 7.5 marks. ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सिटी के पैटर्न और प्लस हमारे कॉलेजेस के पैटर्न में ये बेसिकली दिस एग्जाम्पल फॉर द 7 मार्क्स. सो राइट नाउ हमने ऑलरेडी जो फॉर्मूलेस पढ़े उसका थोड़ा सा हम रिवाइजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद देयर इज अ फर्स्ट फार्मूला. फर्स्ट वन देयर इज अ फंक्शन दैट इज यू प्लस वी. सो बेसिकली हम डिफ्रेंशिएशन लेते समय हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक द डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इट शुड बी रिटन एज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. ओके, after that we have seen the rule there is y equal to u minus v, that is subtraction rule. So in that again hum differentiation should be written as dy by dx, it should be written as du by dx minus dv by dx. After that we have seen there is a next one, there is a part that is related to the y equal to u into v. सो u इंटू वी रूल में क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू टेक डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इन दैट वी हैव टू टेक u एज अ कॉन्स्टेंट, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ v, आफ्टर दैट प्लस v एज अ कॉन्स्टेंट, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ u. ओके, सो हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड देयर इज अ नेक्स्ट रूल इज डिवाइडेशन. ओके, तो अभी हम इस वाले रूल में क्या सीखते हैं कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन रूल के बारे में अप्लीकेशन होता है वहाँ पर क्या करता है, वी हैव टू डिवाइड बाय v. तो बेसिकली v शुड बी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर, आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस. तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, आफ्टर दैट u इंटू v एंड u बाई v. उसके बाद हमने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे जहाँ पर हमने ये सीखा था कि इफ़ देर इज़ अ वाई इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो डिफरेंशिएशन शुड बी रिटन एज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. हमने ऑलरेडी पढ़ा है डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है. तो वाई इक्वल टू एक्स रेस टू एन इज बिकम एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. आफ्टर दैट वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स शुड बी रिटन एज डिफरेंशिएशन शुड बी द सेम वन. आफ्टर दैट वाई इक्वल टू देर इज अ एक्स, it should be the derivative should be 1. After that y equal to there is a some constant is there, so derivative should be written as 0. Is it clear? Yes everyone. So उसके बाद हमने next rule what we have seen that is y equal to there is a raised to x, so it should be written as dy by dx is equal to a raised to x into log x. Is it clear? Yes everyone. दिख रहा है सभी को हमने क्या सीखा, हमने बेसिकली दिस आर द रूल्स आर देयर 4 रूल्स एंड आफ्टर दैट दिस आर द 4 to 5 फॉर्मूलाज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. एंड बेसिकली यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू 4 इज देयर, ई रेस टू एक्स इज देयर, 5 रेस टू एक्स इज देयर. आफ्टर दैट इफ देर इज अ वाई इक्वल टू लॉग एक्स इज देयर, तो लॉग एक्स का बेसिकली डिफ्रेंशिएशन इट शुड बी रिटन एज 1 upon x. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड टू हमारे फॉर्मूले से बेस्ड ऑन है. सो इसी को बेसिकली हम यहाँ पर अप्लाइड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सो फर्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो फर्स्ट आई हैव टू टेक y इक्वल टू दिस इज द फंक्शन इज रिटन एज x रेस टू 4 प्लस ई रेस टू x प्लस 5 रेस टू x माइनस लॉग x प्लस 7. ओके, so if I take the differentiation, so we have to take differentiate with respect to x, should be written as this way, so it is written as dy by dx. उसके बाद देखिए x raised to 4 is look like x raised to n, so if I take the differentiation part, so it should be written as 4 x raised to 4 minus 1. Is it clear? आफ्टर दैट ई रेस टू एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन देखते हो इट विल बी सेम वन, तो ई रेस टू एक्स इज बिकम ई रेस टू एक्स. आफ्टर दैट 5 रेस टू एक्स इज लुक लाइक ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो इट बिकम रिटन एज 5 रेस टू एक्स इंटू log 5. And after that log x should be written as 1 by x. Yes, and constant के साथ जहाँ पर x ही available ना हो तो constant should be written as 0. Is get clear everyone? So university के exams में ये basically दो questions आते हैं, 2.5 for the 2.5. There are two questions for the 5 marks. और यही exam अगर आप FY BCom के colleges के exam देखते हो तो वहाँ पर ये एक example 5 marks के लिए पूछा जाता है. ओके सो तो इसका फाइनल जो आंसर होगा हम मॉडिफाइड वर्जन वो कैसे लिखेंगे, सभी का ध्यान इस तरफ. इट इज़ रिटन एज 4x³ प्लस ई रेस टू एक्स 5 रेस टू एक्स log 5 एंड माइनस 1/x. दिस शुड नॉट बी रिटन हियर एंड दिस इज फॉर द सिंप्लीफाइड वर्जन. यस, इज इट क्लियर एवरीवन? दिख रहा है सभी को समझ में आ रहा है क्या हमने सीखा? हमने जितने भी रूल्स थे उससे पहले समझा, addition का rule, subtraction, into and after that division, and after that we have to apply this kind of formulas. Okay, so अभी हम next question की तरफ आते हैं. तो देखिए हमें एक question देखने मिल रहा है 4a. तो इसका solution start करते समय always first step should be y equal to 4x⁴ 5e⁴x plus 4 into 3e⁴x 10 log x minus 25. Okay, so if I want to differentiate, so I have to written down differentiate with respect to x. Okay, so but of this it is written as dy by dx. So here right now 4 is a constant, but x⁴ is look like x⁴ n. So 4 is a constant, so x⁴n is become 7x⁴ minus 1. After that, phi is a constant, but e raised to x is differentiation should be e raised to x. After that, here 4 is a constant, but 3 raised to x is become 3 raised to x into log 3. Minus 10 is a constant, but log x is 1/x and constant should be written as differentiation should be 0. और अभी इसे simplified form में लिखते समय 4 7s are 28 x raised to 6. minus 5e⁴x plus 4 3e⁴x log 3 and minus 10/x. Okay, is it get clear everyone? दिख रहा है सभी को? Is there any doubts? Okay, so हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने individually we have to take the differentiation, but जहाँ पर हमने subtraction के sign थे वहाँ पर subtraction, addition it should be addition. After that जो constant लगा हुआ है वो constant के साथ we have to attach them. ओके सो नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है देखिए. नेक्स्ट स्टेप में द क्वेश्चन शुड बी रिटन एज सो y इक्वल टू 7 रेस टू x 2x⁴ 7/2 प्लस 3 log x माइनस x एंड ये रूट को हम ऐसा लिखते हैं x⁴. सो इफ आई टेक द डिफरेंशिएशन पार्ट तो इट शुड बी रिटन एज डिफरेंशिएट with respect to x. So कैसे लिखेंगे इसे? dy by dx लिखा. अभी 7 रेस टू x कैसे दिख रहा है? a रेस टू x के जैसा. a रेस टू x कैसे लिखते हैं? a रेस टू x इंटू लॉग a. इज इट गेट क्लियर एवरी वन? आफ्टर दैट 2 इज अ कॉन्स्टेंट बट x⁴ 7/2 इज रिटन एज 7/2 x⁴ 7/2 minus 1. इट्स लुक लाइक x⁴n. आफ्टर दैट 3 इज अ कॉन्स्टेंट एंड log x शुड बी 1/x. उसके बाद x का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था सीधा क्या होता है 1. और उसके बाद नेक्स्ट आता है x⁴ इट शुड बी रिटन एज 1/2 x⁴ minus 1. इज गेट क्लियर? आफ्टर दैट सो सिंप्लीफाइड वर्जन शुड बी रिटन एज 7 रेस टू x log 7. दिस 2 2 गेट कैंसिल. 7x⁴ 7/2 minus 2. वाई? बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाइड शुड बी -2 प्लस 3/x minus 1/2 x⁴ it become written as -1/2. Why? Because half में से -1 गया तो बचा -1/2. तो next step should be written as 7 रेस टू x log 7 7 x रेस टू 5/2. Why? Because 7 - 2 is 5. 5/2 प्लस 3/x माइनस 1 हाफ एंड ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ बिकॉज ये न्यूमरेटर में है. ये अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो इट बिकम प्लस. इज गेट क्लियर? तो हमने ये कैसे लिखा, x√(x) शुड बी रिटन एज x⁄2. There is another question. In that also similarly we have to follow the differentiation part. So what should be written as y = x³ - log x + e⁴x + 4x + 25. So what of this, differentiate with respect to x. So it is written as dy/dx. x³ should be written as 3x³ - 3 - 1. Log x should be 1/x. e⁴x should be e⁴x. 4x is written as a⁴x. a⁴x कैसे होता है, a⁴x into log a और कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा 0. सो नेक्स्ट स्टेप में मिक्स इट बिकम रिटन एज दिस वे. इज गेट क्लियर एवरीवन? यस, दिख रहा है सभी को? इज देयर एनी डाउट्स? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है सभी को कैसे हमने ये एडिशंस के रूल्स, सब्ट्रैक्शंस के रूल्स और प्लस फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई किया. नेक्स्ट वन, हियर देयर आर 2 ब्रैकेट्स आर गिवन. सो बट ऑब्वियस आप इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो. एक तो आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो या आप इस ब्रैकेट को u मानिए और इस ब्रैकेट को v मानिए. और हमने जो पढ़ा था u × v वाले रूल में क्या सीखा था, वी हैव टू टेक डिफरेंशिएशन dy/dx, u as a constant, we have to take the derivative of v, plus v as a constant, take the derivative of u. Is get clear? तो यहाँ पर अभी हमें थर्ड वाला जो रूल हमने पढ़ा u × v वो हमें अप्लाई करना है. वाई? बिकॉज देर आर द 2 ब्रैकेट्स आर गिवन हियर. सो राइट नाउ पहले वाले ब्रैकेट को हमने u माना और सेकेंड वाले ब्रैकेट को हमने v माना. सो ये डिफ्रेंशिएशन कैसे वर्क होगा ये देखिए. So differentiate with respect to x. So कैसे लिखा जाएगा ये dy/dx. So हमने क्या किया, u को रखा और v का डेरिवेटिव लिखा. v का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इन सब का डेरिवेटिव. इसके अंदर देखिए 4 कांस्टेंट है. e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x होता है. here -5 इज अ कांस्टेंट बट log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. इज गेट क्लियर? हमने u को कांस्टेंट रखा, v का डेरिवेटिव लिया, प्लस v को कांस्टेंट रखा और अभी हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, u का. सो राइट नाउ x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x² - 1. समझ में आ रहा है? माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, इट बिकम 0. इज गेट क्लियर? u as a constant, we have to take the derivative of v. After that, v is a constant, we have to take the derivative of u. After that, in the next step, x² - 3x + 10, 4e⁴x - 5/x plus 4e⁴x - 5 log x and 2x. Why? Because 2 - 1 is 1. After that, here -3. Is get clear? कैसे हमने ये u × v का रूल अप्लाई किया है यहाँ पर, समझ में आ रहा है सभी को? यस एवरीवन, इज गेट क्लियर? यस, कुछ भी दिक्कत है कमेंट में लिख के भेजिए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, अगेन द सिमिलर पैटर्न एंड सिमिलर वे. यहाँ पर देखिए अभी ये सब्ट्रैक्शन साइन है बट यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग फंक्शन एक ही क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है. तो ये देखिए इसके अंदर भी u × v फॉर्म लग रहा है, यहाँ पर भी u × v. वाई? बिकॉज दिस आर द 2 डिफरेंट फंक्शंस. यहाँ पर अगर एडिशन का साइन होता है तो आई हैव टू टेक द नॉर्मल डिफरेंशिएशन पार्ट, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है देखिए. सो हमने क्या सीखा, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज u, दिस इज v. सो इफ आई टेक द डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So it is written as dy/dx. So x² का क्या होता है, एक्स को शुड बी कॉन्स्टेंट, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वी. तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, वी हैव टू टेक द एक्स रेस टू फोर का डेरिवेटिव क्या होगा? फोर एक्स रेस टू फोर माइनस वन. तो इससे हमने क्या सीखा? हमने पहले वाले इस ब्रैकेट के अंदर u इंटू वी रूल अप्लाई किया. अभी हम सेकेंड वाले ब्रैकेट की तरफ आ रहे हैं. सो यर फाइव को हमने कॉन्स्टेंट पकड़ा और हमने क्या किया? यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई किया. एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव शुड बी वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इज अ कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? टू एक्स रेज टू टू माइनस वन. इज गेट क्लियर? यस एवरीवन. और अभी हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाइड वर्जन के फॉर्म में लाना है. सो कैसे लिखा जाएगा? एक्स रेज टू फोर ई रेज टू एक्स फोर एक्स क्यूब वाई बिकॉज फोर माइनस वन. आफ्टर दैट हियर फाइव, इसमें से ये कैंसिल इट, दिस इज बिकम एक्स, दिस इज लॉग एक्स एंड टू एक्स. इज गेट क्लियर? यहाँ से आप कॉमन भी निकाल सकते हो. कॉमन क्या निकल सकता है? यहाँ पर देखिए, दिस इज एक्स फोर रेस टू फोर एक्स क्यूब. तो यहाँ से आप एक्स क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं. उसके बाद ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं. अभी ब्रैकेट में बचता है यहाँ पर एक्स और प्लस फोर. ये समझ में आ रहा है सभी को? वाई बिकॉज एक्स क्यूब को हमने आउटसाइड लिया, उसके बाद ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ एक्स और यहाँ पर बचा एक कॉन्स्टेंट. यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एक्स को कॉन्स्टेंट लें तो बचेगा वन प्लस टू लॉग एक्स, क्योंकि टू इज़ अ कॉन्स्टेंट. इज गेट क्लियर? तो ये हमारा थर्ड रूल यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, जहाँ पर हमने ये सीखा वी हैव टू मल्टीप्लाइड यू इंटू वी रूल. उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये सीखने मिल रहा है कि यहाँ पर डिवाइडेशन का रूल अप्लाई करने आना चाहिए. तो डिवाइडेशन के रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा क्या था, ये देखते हैं. वाई इक्वल टू यू बाई वी, इन दैट इन अ डिनोमिनेटर शुड बी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर. आफ्टर दैट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मारा, माइनस न्यूमरेटर को रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मारा, डिवाइड बाय वी स्क्वायर. ओके, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ यू बाई वी. सो राइट नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो क्या हो सकता है? देखिए, u अपॉन वी में v को आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो हम v को न्यूमरेटर में लेके गए. उसके बाद हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मारा, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? टू एक्स रेस टू टू माइनस वन. आफ्टर दैट माइनस टू, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन. कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो. माइनस हमने न्यूमरेटर को रखा और अभी हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मारे, मतलब दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वी. तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. Is get clear? In the next step, it is written as x plus 1. This is 2x minus 2. Yes. After that, here x square minus 2x plus 5, and this has become 1. आपको इस next step में आप ये भी कर सकते हो, इसे simplified करना है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर मुझे इसे multiply करना है, x into x, this has become 2x square. दिस इज बिकम 2x. आफ्टर दैट 2x माइनस टू, पहले हमने x के साथ मल्टीप्लाइड किया, बाद में 1 के साथ. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे आप अंदर अगर साइन को लेते हो तो ये ऐसे दिखेगा. इज गेट क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? इससे क्या होगा? प्लस 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया, तो बचा प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस 2x प्लस 2x गेट कैंसिल इट, तो बचा तो भी 2x. और माइनस टू माइनस 5, it become minus 7. Is get clear everyone? Yes, हमने कैसे ये रूल अप्लाई किया? सभी का ध्यान इस तरफ, सभी को दिख रहा है ये. हमने क्या सीखा? u इंटू वी वाले रूल में ऑलवेज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. उसके बाद हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मारते हैं, माइनस न्यूमरेटर को रखा जाता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर. यही रूल हमने अप्लाई करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया. एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ऑल्सो फिफ्थ वन. सो यहाँ पर भी आपको देर इज अ यू, देर इज अ वी. सो क्या सीखा? वाई इक्वल टू इट बिकम लॉग एक्स अपॉन फाइव रेस टू एक्स. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो क्या होगा यहाँ पर? इट बिकम रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स. फाइव रेस टू एक्स आपका ये ऊपर जाता है लॉग एक्स का हम डेरिवेटिव मारते हैं तो 1/x माइनस हम लॉग एक्स को रखता है, उसके बाद 5 raise to x का अगर डिफ्रेंशिएशन ले तो इट बिकम a raise to x जैसा 5 raise to x इंटू लॉग 5 एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 5 raise to x को अगर बाहर निकालें तो अंदर बचेगा 1/x और यहाँ पर बचता है लॉग एक्स लॉग 5 यस और नो दोनों में से कॉमन और 5 raise to x द ब्रैकेट स्क्वायर इट गेट कैंसल इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/x माइनस लॉग एक्स लॉग 5 और दिस बिकम 5 raise to x। और अभी नेक्स्ट जो आ रहा है देयर इज़ अ टॉपिक नेम दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ द डेरिवेटिव। तो हाउ द साइन ऑफ डेरिवेटिव गेट चेंजेस, जैसे कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसके बाद फंक्शन का साइन जो भी चेंज होता है एज पर द अकॉर्डिंगली देयर इज अ फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेन एवर देयर इज अ सिग्निफिकेंस इज टॉकिंग अबाउट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ओके, and after that there is some function is there and this is of increasing form, and in that if I take some constant value that a, so in that there is a formula should be written as, so it should be a minus del and the next function should be a plus del। तो हमारा function जो होता है a minus del should be in terms of there is a this is the why, because del is a basically differentiation sign, it should be greater than 0 and let a be the is a real number, okay, so a taking real number at y where y equal to there is a function should be f of x, okay, so that time there is a function should be f of x is increasing function, यही function अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जहाँ पर हमें ये इंक्रीजिंग के फॉर्म में दिख रहा है यही अगर डिक्रीजिंग के फॉर्म में आकर आता है और वहाँ पर अगर एट द मिडल a दिस इज a माइनस डेल एंड दिस इज बिकम a प्लस डेल, तो एट दैट पॉइंट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यस, सो y इक्वल टू f ऑफ x इज गिवन एंड always at f of x. So, but of this, x is equal to a is a basically a real number value. So, this is the basically concept of increasing and decreasing function of the real number. Show that the function is given here. तो हमें function दिख रहा है, सभी का ध्यान इस तरफ। हमने function को लिखा, function को लिखते तो 2x³ माइनस 6x² प्लस 25x प्लस 1, ओके, सो इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट शुड बी रिटन एज f डैश ऑफ x, सो बट ऑफ दिस द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी रिटन एज 2 into 3 x raised to 3 minus 1, after that here 6 into 2 x raised to 2 minus 1 plus 25 into x derivative is 1 and constant should be written as 0. This is become 6x², this is become 6 to the 12x plus 25. क्या तक ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? यस, यस और नो। सो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये सभी ने सीखा, यस और नो, इज गेट क्लियर। उसके बाद हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 6x² minus 12x प्लस हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लुक लाइक, ओके, इसे हम डिवाइडेशन के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, देखिए सभी का ध्यान इस तरफ। सो इफ आई टेक दिस इज 6 plus 19, वाई बिकॉज 19 plus 6 इज बिकम 25, आफ्टर दैट द फर्दर स्टेप इन दैट द 6 is common in this, yes or no, yes or no, is get clear, is get clear everyone, yes or no? So in our next further step we can rewrite this is x minus 1 the whole bracket square, so but of this f for or real number of x so x minus 1 square is greater than 0, so we can rewrite as f dash of x is greater than or equal to 0. So how it is written as, तो हम क्या कर रहे हैं, is get clear? So that why f of x is increasing function. So क्या चाहिए था हमारे क्वेश्चन में, देखिए सभी का ध्यान इस तरफ, f of x है रियल नंबर और वो अगर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं ये हमने चेक किया है यहाँ पर. Is get clear? Yes. हमने क्या किया, उसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माना, तो उससे हमें जो भी वैल्यू आया वो ग्रेटर दैन मिला. इज गेट क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर फॉर द फंक्शन इज गिवन. सो तो राइट नाउ what are the values of x, how to calculate here. So there is a function is given, so always be we have to differentiate with respect to x, means differentiate with respect to x. So it is written as f dash of x, so it becomes 3x raised to 3 minus 1, 3 is a constant, 2x raised to 2 minus 1 minus 45 into x is 1 and 0. यहाँ तक का ठीक है? यस, समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो. सो बट ऑब्वियस हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कॉमन निकाला, वैसे अगर यहाँ से 3 कॉमन निकाल तो दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x एंड 15 3s are 45. इज गेट क्लियर? यस और नो? Is that get clear everyone? After that हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि हमें all the values of x, जहाँ पर आपको पहले वाले फंक्शन में increasing का पार्ट दिख रहा है, तो increasing के पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, f dash of x जो होता है वो greater than equal to 0 मानता है, जहाँ पर हम ये लिखते हैं is greater than 0, ये 3 अगर इसके डिनोमिनेटर में जाता है तो it becomes 0. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 7 2s are 14, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. क्या मिलता है, 7 2s are 14 मीन्स 7 इज अ माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट मिलता है, एक x माइनस 7 एंड x प्लस 5. इज गेट क्लियर? यस और नो? फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 मानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता, यहाँ पर ग्रेटर है. यस, सो हम क्या करेंगे, ग्रेटर 0 माने, ग्रेटर 0 मानते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक प्लस 7, यहाँ पर माइनस 5. ये याद आकर समझ में आ रहा है सभी को? इज गेट क्लियर? यस और नो? यस. सो हम यहाँ पर सॉल्व करते समय क्या कर सकते हैं, देखिए सभी का ध्यान इधर, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0. सो बट ऑब्वियस क्या होगा, दिस गेट, तो इधर क्या हो सकता है, 5 3s are 15, Pi 3 is a 15 means minus 5x plus 3x. Yes or no? After that it becomes x minus 5, x plus 3 is greater than 0. After that x minus 5 is greater than 0, x is greater than 5, x is greater than minus 3. यहाँ तक का क्लियर है सभी को? क्या इसके हम अपोजिट में ऐसा भी लिख सकते हैं, x is less than 5 और x is less than minus 3. यस और नो? यस. तो यहाँ पर क्या होगा पता है, हम ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करेंगे, x is greater than 5 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. इज गेट क्लियर? और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप बोला गया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. सो बट ऑब्वियस हम उस नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0. सो बट ऑब्वियस आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो ऐसा हो जाएगा. या इसके अपोजिट में ऐसा भी हो सकता है. यस, इज गेट क्लियर? तो बट ऑब्वियस क्या होता है यहाँ पर, एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग. क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो रहा है, यस और इज गेट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. ज़्यादा का सभी को समझ में आ रहा है? यस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सिमिलर पार्ट दिया हुआ है. आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि द वैल्यूज ऑफ एक्सेस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो राइट नाउ आपको जो फंक्शन दे के रखा है यहाँ तक का ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है. बिकम आई थिंक सो इट बिकम्स एक्स. यस और सो differentiate with respect to x. So x का derivative 1, it should be written as, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि अगर ये अगर ऊपर आ जाता है तो ये हो जाता है 1, वो भी क्या होगा -1. सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ऑलरेडी एक्स का डेरिवेटिव मारा हुआ है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, -1 एक्स रेज़ टू -1 एंड डिवाइड बाय 4. सो नेक्स्ट स्टेप के मॉडिफाइड वर्जन में 4 -1 1/4 -1 इज बिकम -2 और वो अगर डिनोमिनेटर में आता है तो प्लस बन जाएगा. क्या तक का ठीक है? इज गेट क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 16 एक्स रेज़ स्क्वायर -1/4x². यहाँ तक का ठीक है? हमने उसे क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, उसके बाद हमने इसका पहला कंडीशन जो कि क्या है, इंक्रीजिंग वाला कंडीशन, इंक्रीजिंग वाले कंडीशन में हमने ये सीखा, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0. सो व्हाट ऑफ इज प्लस एंड माइनस आ सकता है. यस, इज गेट क्लियर? तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि x इज बेसिकली टेकिंग वैल्यू फ्रॉम -1/4 टू +1/4. यस, तो दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. Yes, yes or no? Yes, yes everyone. So in the next case, there is an entire case of decreasing function. So what was 16x² -1/4x² less than 0? So 16x² -1 less than 0 if I this goes here, yes, is it clear? So whatever is here also the same part. Yes, so this is for the decreasing. So हमने यही सीखा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मारिए, उसे ग्रेटर दैन जीरो मानिए, उससे आपको इंक्रीजिंग आएगा, लेस दैन जीरो मानिए, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा. यस, द सिमिलरली फॉर द हियर ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स. सो व्हाट इट इज and if I take 6 outside it becomes yes. So for the first one so f of x is increasing function. So in the next step, that is for the decreasing function. ये basically यहाँ से यहाँ तक decreasing में क्या होगा f dash of x is less than. So whatever is आपका जो function था Let's get clear. Yes everyone, समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. How it is look like? तो there is a addition rule. हाँ, पहले increasing part में, उसके बाद decreasing. Okay? Yes everyone, सभी को समझ में आ रहा है? Same way we have to apply for the last question also similar part. यहाँ पर भी आपको similarly solve करना है. यहाँ पर कुछ भी आपको doubts आता है, whatever you have to ask in the comment box. Okay, thank you so much for the differentiation part of that. So in our next session we have to start with the applications of derivative, जहाँ पर आपको economics में कैसे applied होता है. Yeah, thank you.